ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఆసుపత్రి సిబ్బంది రోగుల ఆలస్యత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గడువు తీరిపోయిన మందులను రోగులకు ఇంజెక్షన్లు ఇస్తూ రోగుల ప్రాణాలతో చలగాటమాడుతున్నారు. 2021 జనవరిలో గడువు తీరిన మందులను పలువురు రోగులకు ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఎక్కించారు రిమ్స్ వైద్య సిబ్బంది. జిల్లా కేంద్రంలోని కొలుపూరు కాలనీకి చెందిన గౌరీశంకర్ అనే వ్యక్తి సాధారణంగా అనారోగ్యంతో రిమ్స్ లో చేరగా ఆయనకు ఎక్స్పైర్ అయిన ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. దాన్ని గమనించిన బాధిత బంధువులు సదరు నర్స్ ని ప్రశ్నించారు. దీంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇతర రోగులకు కూడా గడువు తీరిపోయినవే ఇవ్వడంతో వైద్య సిబ్బందిని బాధిత బంధువు నిలదీగా విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. रिम्स हॉस्पिटल में अदलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में ये मेरे एक्सपायर हुए तो इंजेक्शन है. यहाँ पे 10-15 लोगों के हाथों में ये बॉटल था. मैंने ऐसे इसको देखा तो इसका एक्सपायरी डेट हो गया. फिर वही मेरे पापा को देने वाले थे. पापा को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा लेग प्रॉब्लम था. उसके बाद पूरा लेग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, पेन हो रहा और पैर पूरा सुन्न हो जा रहा. सुबह दिए क्या इंजेक्शन? सुबह इंजेक्शन देने के बाद ही इफेक्ट हुआ. उससे पहले कोई इफेक्ट नहीं हुआ था. पहले थोड़ा पेन था, इसके बाद में पूरा पैर एकदम सुन्न हो गया. बैठे तो खड़े होना नहीं आ रहा. तुम बोले क्या नर्स को? बोले नर्स को बोला. नर्स को बोलने पर नर्स ये बोल रही कि हमारे को ऊपर से जो आ रहा हम वो मेडिसिन दे रहे. मैं बोला तुम्हारा काम देख के देने का है. बोला और स्टॉक था कि मेडिसिन का? और स्टॉक था, सब लोगों के पास हाथ में भी आ गया था ओल्ड स्टॉक. तो उन्होंने पूरा आलू देखते देखते बोल के पूरा ले आ गया, वो खिड़की में से फेंक दिए. अच्छा. उसके अंदर वो ग्लूकोज भी एक्सपायर हुए थे वो भी फेंक दिए. सबके पास से ले लिए वो लोग. ओके एक्सपायरी है फिर पूरा. डेट क्या है इसमें? इसका मैन्युफैक्चरिंग है 2019 का है. एक्सपायरी है 1 जनवरी 2021 का है. ओके 6 मंथ्स हो गए एक्सपायर होके. और यहाँ पे 3-4 पेशेंटों को मॉर्निंग भी गिरा, उन लोगों को भी थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे. जैसे लोग थोड़े लोग मोशन स्टार्ट हो गए, इनको पेन स्टार्ट हो गया और एक जन को यूरिन प्रॉब्लम हो गया. ओके पापा क्या हुआ? पापा को लेग प्रॉब्लम हो रहा, पूरा पैर सुन्न हो जा रहा उनका. ओके ठीक है.